तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। यहां पर बड़े बड़े निशान नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है ये जंगली रीछ है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मौसम भी बहुत ही सुहाना है। इस वक्त दिन के पूरे 2 बजे का टाइम है। आज मैं वीडियो शूट करने के लिए जा रहा हूँ जोला हिल टॉप में, जो कि बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चोरी छुपे बर्फ ने दस्तक दे ही दिया। जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ के दिलकश नज़ारे, यहाँ के मनाजर, यहाँ का वाइट वाइट बर्फ, आप सबका स्वागत कर बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। नाज़रीन, अगर मुझे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाने का मौका मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, ये आपका प्यार या आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आती है। साथ में कल्चर भी दिखाता हूँ अपने इन खूबसूरत बनी वैली के पहाड़ों का। प्राउंस जम्मू में डिस्ट्रिक्ट कठुआ एक ऐसी तहसील है जिसमें मैं रहता हूँ, वो तहसील है बन्नी। आओ चलते हैं पहाड़ों की ओर। नाज़रीन, शहरों में बड़े बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े होटल होते हैं। मैं आपको कल्चर दिखाने वाला हूँ आज, पहाड़ों का कल्चर। ये है हमारे पहाड़ों के रेस्टोरेंट, ये हमारे सीजनल रेस्टोरेंट जिन्हें हम सीजनल हट्स भी कहते हैं। ये यहाँ पर वेंटिलेटर है सामने, ये यहाँ से फ्रेश हवा अंदर चली जाती है। जो मेन गेट होता है रेस्टोरेंट अंदर जाने के लिए, ये है इसका मेन गेट, ये है पिलर, पिलर के साथ होता है इसका गेट। यहाँ इंटर होने के लिए बस सीधा अंदर चले जाओ। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, शहरों में जो बड़े रेस्टोरेंट है, यहाँ बड़े बड़े कम्प्लेक्स है, वहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ेगी, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है, सीधा अंदर चले जाओ, जहाँ चूल्हा नजर आता है वो वहाँ बैठ जाओ, मुफ्त में चाय मिलेगी, मुफ्त में खाना मिलेगा, मुफ्त में घी और मक्खन मिलेगा। ये है हमारे पहाड़ों की सिफत। पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है, सिपाही करो बस, कोई खर्चा नहीं है। अगर टूटता है तो मिट्टी डालो, लकड़ी की दीवार दी गई है। मुश्किल से इसमें जो खर्चा आया होगा वो 2000 से बिल्कुल कम। और शहरों में जो कम्प्लेक्स होते हैं उनका खर्चा कम से कम 2 करोड़ से कम नहीं आता है। मगर यहाँ पर एंजॉय है, यहाँ पर मजा है, वो आपको शहरों में नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर इंटर हो चुका हूँ। यहाँ पर ये जगह जो है ये है माल मवेशी के लिए। ये सामने यहाँ पर गाय भैंस वगैरह सब कुछ बांध के रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होता है चूल्हा वगैरह होता है, वो तो यहाँ पर आराम से खाना वाना बनाते हैं। यहाँ चारों तरफ से अंदर ठंडी ठंडी हवा आती है, ये देखो धूप अंदर आ रहा है। बैक साइड वाली दीवार जो है इसकी देखो, यहाँ से भी अंदर धूप भी आ रही है आराम से, और ऊपर से फ्रेश हवा इंटर हो रही है रेस्टोरेंट के अंदर। आपको कोई जरूरत नहीं पेंट करने की। ये देखो वहां पर ये है दरवाजा इसका, यहां पर ये ताला है इसका, ये है इसकी कुंडी। अंदर इंटर हो जाएंगे आप तो आपको इतनी नींद आएगी ना, बहुत जबरदस्त। इनमें मजा ही कुछ अलग है। ये जो नेचुरल चीजें हैं, जो कल्चर के मुताबिक हमारे पुरानी चीजें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, इन्हें हमें बचा के रखना है। अब तक मैंने जो पैदल सफर किया वो किया है 6 से 7 किलोमीटर पैदल। पूरी ढोक्स जो है सीजनल हट्स खाली पड़े हुए हैं, सब लोग चले गए हैं। ये चिड़िया कुछ उड़ती हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, हरियाली का नामो निशान भी नहीं है, बस ब्राउन कलर है चारों तरफ, सूखा ही है यहाँ पर सब कुछ। सूखे फूल हैं यहाँ पर पहाड़ों में। आपको दिखाता हूँ कि हाइट पर ऐसे पत्थर मिलते हैं, बर्फ की वजह से पूरे खत्म हो चुके हैं, जल चुके हैं, मतलब इतना टेम्परेचर डाउन होता है कि पत्थर की हालत देखते हैं ना, क्या हालत है, क्या शान बना दी है पत्थर की।
ये दोनों तरफ से आ गए, ये देखिए इधर से भी है, ये हाथ से मैं उठा लेता हूँ, और इधर से भी है। ये कंट्रोल करेगी पूरी पत्थर को। टाइम की बात करूं तो इस वक्त टाइम जो है पूरा 1:30 बजे का टाइम है। अभी तक मैं जोयला हिल टॉप तक नहीं पहुंच पाया हूं, पूरे सिर के ऊपर से उड़ान भर रहा था। ये मेरे सामने शाहीन है, ये देखिए। व्यू है जबरदस्त चारों तरफ, क्या मौसम है सुबह सुबह का। बैक साइड में जोयला हिल टॉप है, बहुत बर्फ है वहां पर। बस यादें हैं सिर्फ, बस प्यास मुझे बहुत लगी है जबरदस्त। धूप भी बहुत तेज है, बहुत ही टेस्टी बर्फ है, बहुत टेस्ट। पहाड़ों में बर्फीली चिड़ियां होती हैं, अभी तक मुझे बिल्कुल नजर नहीं आई, एक भी नहीं नजर आई। ये कम से कम हजारों और लाखों में उड़ती हैं, इकट्ठी चलती हैं। अब बर्फ पिघल रही है, इस वक्त कोठे पर बर्फ है। सुबह भी मैंने लिमट में ब्रेकफास्ट किया है, मुश्किल से 2-3 चपाती और उसके साथ सिर्फ चाय, तो लंच में बिल्कुल करता ही नहीं। और अगर बर्फ खा लिया ना 1-2 बार तो समझ लो फिर दिल करता है कि पूरा ही दिन में खाता रहूं बर्फ। फाइनली मैं जोयला हिल टॉप में पहुंच गया, मेरे चारों तरफ यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। बरसात के टाइम में यहाँ पर हमारे गुजर भाई रहते हैं, ढोक्स मिला। क्या डिजाइन है, क्या पिलर है इसके, और क्या गार्डर है इसके। ये सामने जो टॉप है, ये सामने, यहां तक पहुंचने में कम से कम 2-4 मिनट लग ही जाएंगे। हाइट वाले पहाड़ हैं, यहाँ पर खतरा हर वक्त रहता है, इसलिए मैं सर्च करके आगे जाऊंगा, कोई मुझे नुकसान ना हो। थोड़ी सी भी आहट अगर सुनाई देती है तो मैं रुक जाऊंगा, देखूंगा चारों तरफ है क्या, कोई चीज है, क्या है, जानवर है। कुदरत की कारीगरी है यहाँ पर नजर आती है। पंजू के निशान है, बड़े बड़े निशान है इस सामने, बिल्कुल जंगल की बिल्कुल बैक साइड में बर्फ है और निशान लगे। 1.5 किलोमीटर आगे दनबिहाल है और दूसरी तरफ सरथल वैली है। अगर मैं बात करूं पहाड़ों की, यहाँ पर मजा ही मजा है, मगर एक बात याद रखना, आपको यहाँ पर टाइम का पाबंद रहना पड़ेगा, आपको टाइम चेज करना पड़ेगा। क्यों? ये पहाड़ है, ये वीरान जगहें हैं, यहाँ पर कोई किसी का नहीं, यहाँ पर कोई लिहाज नहीं होता है, ये यहाँ पर कायदा कानून होते हैं, या कायदा कानून मानने पड़ते हैं, वरना यहाँ ये जानवर छोड़ते नहीं है। आपको टाइम से चलना पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा, टाइम से यहाँ पर अंजाय लेना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से फौरन निकल जाना पड़ेगा। कभी कभार इन पहाड़ों में आते हैं, ये तो मालिक हैं इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के, ये तो इन पहाड़ों में रहते हैं। आज मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना मैं अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली है उनको मैं बर्फ दिखाऊं। कम से कम एक हफ्ते पहले भी मैंने बर्फ दिखाया था, बड़ी हाइट पर गया था, उस टाइम में अकेला था। आज भी बड़ी हाइट पर जोयला हिल टॉप पर बड़े बड़े निशान नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है ये जंगली रीच है। अभी जा रहा हूँ मैं सामने, देखता हूँ यार किस जानवर के निशान है इतने बड़े बड़े और दूर से दिखाई देते हैं मुझे। ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, यार लगता है यार रूठे खड़े हो जाते हैं इतने हाइट पर, कितना बड़ा जानवर होगा ये, अगर मुझे देख ले तो छोड़ेगा मुझे फिर। ये बड़े बड़े चपटे हाथ है, ये देखिए और जंगल की ओर चला गया। आवाज से बोलना पड़ेगा यहां पर,
यहाँ पर खतरा है, जंगल है बिल्कुल साथ में, और फ्रेश निशान है, फ्रेश। नाज़रीन देख लिया पहाड़ों में क्या होता है। यहाँ पर मजा भी है मगर खतरा भी होता है बहुत जबरदस्त, इसलिए अपना आपको बचाना भी पड़ता है। थोड़ी मुझे धीमी आवाज से भी बोलना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कहीं मेरी आवाज सुन ले। 4 बजे के बाद ये निकल जाते हैं, फील्ड में आ जाते हैं, बाहर आते हैं, खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। फिर उस वक्त यहाँ पर रहना आसान बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि इनके कायदा कानून है, वो अपने कायदा कानून के मुताबिक चलते हैं। इनका कायदा कानून कोई तोड़ नहीं सकता है, जैसे हमारे इंसानों के कायदा कानून बनाए हुए कोई तोड़ नहीं सकता है, इसलिए ये भी माफ नहीं करते हैं अगर कायदा कानून तोड़ने की किसी ने कोशिश की। यार जंगल है बिल्कुल साथ में, मैं तो जोर जोर से बोल रहा हूँ, थोड़ा मुझे सर्च करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कायदा कानून फॉलो तो करने पड़ेंगे। यहाँ वही जो फॉलो करता है ना कायदा कानून, वही सक्सेसफुल है इन पहाड़ों में। कोई ऐसा जिंदगी में गलती ना करे पहाड़ों में जाकर, जहाँ मर्जी वहाँ जाए, जहाँ मर्जी वहाँ घूमे, नहीं ऐसा नहीं करना है। हाँ, दो दो चार चार आदमी घूमे आराम से, फिर कोई परवाह नहीं, टाइम से घूमे, सुबह शाम बिल्कुल ऐसा वीरान जंगलों में ना जाए, क्योंकि खतरा भी हो सकता है ना। नाज़रीन बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैंने बर्फ़ भी दिखाया, यहाँ की व्यू भी दिखाई, कल्चर दिखाने की कोशिश भी की, अब मैं फ़ौरन यहाँ से निकल जाऊँगा। टाइम की बात करूँ तो टाइम इस वक्त 3:15 का टाइम है। अब वीडियो को करता हूँ मैं एंड, लाइक्स कमेंट्स वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।